गाइस, CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदेद। हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है वो इब्नुल हैतम के बारे में है। और हम देखेंगे एक के इब्नुल हैतम के कौन से खिदमात थे और कौन से अचीवमेंट्स थी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। इब्नुल हैतम, या आपको वेस्ट में अल हज़ान भी कहा जाता है, और आप 975 बसरा में पैदा हुए, जो कि इराक़ का एरिया है। और आपको मॉडर्न जो ऑप्टिक्स हैं, इसका आप फादर भी कहा जाता है। एंड आपने OPMM पे काम किया था, मतलब ऑप्टिक्स, ठीक है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और मेडिसिन। ऑप्टिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और मेडिसिन। और आपको यूरोप में फिजिशिस्ट भी कहा जाता है। आपको इस नाम से मतलब जाना जाता है। तो आपकी कंट्रीब्यूशन को ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। अचीवमेंट्स क्या क्या आपने किए थे। लाइट्स एंड कलर्स, मतलब आपने लाइट और कलर्स के ऊपर आपने काम किया था। ही कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड कलर, ऑप्टिक इल्यूजन्स एंड रिफ्लेक्शंस। ही गेव द अंडरस्टैंडिंग द लाइट ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपने कलर्स के ऊपर काम किया था और लाइट्स के ऊपर काम किया था, उनको डिस्पर्स करने के बारे में आपने काम किया था। जिस तरह एक ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, और फिर रिफ्लेक्शंस के ऊपर आपने काम किया था। और आपने एक लाइट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजारने का भी एक एक्सपेरिमेंट आपने किया था, और ये अंडरस्टैंडिंग आपने प्रोवाइड की थी। आई और आँख के बारे में भी आपने बताया था कि ही वॉज़ द फर्स्ट हु डिस्क्राइब एक्यूरेटली द वेरियस पार्ट ऑफ आई एंड गेव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ विजन। मतलब आप वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने एक्यूरेटली एक आँख के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उसका जो एक विजन का जो प्रोसेस होता है, उस सब को आपने एक साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था। और आपने इसके साथ साथ लेंस के ऊपर भी काम किया था। और लेंस, और जब बंदा आंख के ऊपर काम करता है तो लेंस तो ऑटोमेटिकली, और आपने फिर ऑप्टिक्स के ऊपर काम किया, तो ये चीज़ें फिर इंटरलिंक्ड होती हैं। आपने ट्यूबलाइट के ऊपर काम किया था। गेव द आइडिया अबाउट द फेनोमेना ऑफ ट्यूबलाइट, जो एक जब सूरज ग़ुरूब होता है या जब द डॉन ऑफ सूरज होता है, तो उस टाइम आप अक्सर देखते हैं कि आसमान में मुख्तलिफ से एक डिस्पर्जन होती है लाइट्स की, तो उसके बारे में, उसको अक्सर ट्यूबलाइट कहा जाता है। उसके बारे में आपने जो आइडिया था, फेनोमेना था, आपने उसके बारे में बात की थी। और मैथमेटिक्स के बारे में भी आपने बात की थी। ही डेवलप एनालिटिकल ज्योमेट्री बाई इस्टेब्लिशिंग लीनिएज बिटवीन अलजबरा एंड ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री और अलजबरा के बीच एक लिंकेज को, सॉरी ये लिंकेज मैंने गलत लिखा है, लिंकेज आपने डेवलप किया था। किस तरह अलजबरा और ज्योमेट्री के बीच, एक एनालिटिकल ज्योमेट्री के बीच आपने एक लिंकेजेस आपने डेवलप किया था। और फिर आपने मुख्तलिफ बुक्स लिखे थे, जिसमें किताबुल मनाजिर जो थी, देखिए, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, वो बहुत मशहूर थी। तो गाइस, ये कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स थी इब्नुल हैसम के। और इब्नुल हैसम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, तो वो उसको असल में जो लाइट्स और ऑप्टिक्स और कलर के बारे में उसे जाना जाता है। और जो लाइट्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, और उसका मेन जो काम था, उन्होंने ट्रांसपेरेंट एक उससे जो चीज़ होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, उसमें से आपने लाइट को गुजारा था, और ये फेनोमेना आपने दिया था। ट्यूबलाइट के बारे में आपने बात की थी। और आप वो पहले बंदे थे जिसने, पहले साइंटिस्ट थे जिसने आँख के मुख्तलिफ पार्ट्स को एक्यूरेटली आपने डिफ़ाइन किया था, और उसके जो विजन का जो प्रोसेस होता है वो आपने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया था। और मैथमेटिक्स में भी आपने अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बिटवीन वो जो लिंकेजेस जो होती है वो एक एस्टेब्लिश किया था आपने। और वो जो मशहूर किताब आपकी थी वो किताबुल मनाजिर थी, द बुक ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।